डॉक्टर खादर लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको आंध्रा स्टाइल में आम का अचार बनाने की विधि दिखाती हूँ। उसके लिए आपको चाहिए 6 आम, लाल मिर्ची पाउडर 250 ग्राम, रायका पाउडर 250 ग्राम, नमक 180 ग्राम, तेल 300 ग्राम, 1 चम्मच मेथी के दाने, आधा चम्मच हींग लीजिए। पहले आम को पानी में डाल के 10 मिनट भिगो के अच्छी तरह साफ कीजिए। इस अचार के लिए कच्चा और खट्टा आम लेना है, तभी अचार लजीज बनेगा। उसके बाद एक अच्छे कपड़े से उसे पोंछ ले। उसके बाद आम को ऐसा 4 टुकड़े कर दीजिए। अब बीज का बीज निकाल के फेंक दीजिए। कुछ आम में एक पेपर जैसा लेयर भी होता है, उसे भी निकाल दीजिए। अब उसको अपनी इच्छा अनुसार छोटी छोटी टुकड़े में काट दीजिए। अब मोटी राय लेकर इसको अच्छी तरह पीस लीजिए। मैं हमेशा अचार के लिए ऐसा ही मोर्टर और पेस्टल में पीसना पसंद करती हूँ। आपको चाहिए तो मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। देखिए, इसमें पीसने से इतना अच्छा कलर आएगा। अब एक बड़ा प्लेट लेकर उसमें 250 ग्राम लाल मिर्च पाउडर, 250 ग्राम रायका पाउडर, 180 ग्राम नमक पाउडर करके डालिए, 1 चम्मच मेथी का दाने, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हींग को लेकर पाउडर बना के आधा चम्मच डालिए। अब इन सबको मिलाइए। थोड़ा वक्त लगेगा, फिर भी अच्छी तरह मिलाइए। हमेशा याद रखिए, अचार में पानी या नमी उसका बड़ा दुश्मन होता है। इसके लिए ना आपके हाथ में ना आपके बर्तन में नमी रहना चाहिए। अब 300 ग्राम तिल का तेल थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिए। अचार तिल का तेल में बहुत लजीज बनता है। हमेशा अचार के लिए बेल चालित घानी तेल ही इस्तेमाल कीजिए। इसे अच्छी तरह मिलाइए। अब इसमें आम का टुकड़े डाल के अच्छी तरह मिला के थोड़ा और तेल डाल के इसे ऐसा मिलाइए। आप चाहे तो लहसुन भी डाल सकते हैं। तेल आम को खराब होने से बचाता है। अब इसे एक पोर्सलिन जाड़ी में डाल के 3 दिन छोड़िए।
तीन दिन के बाद देखेंगे तो जो तेल हमने डाला था वो उभर कर ऊपर आ जाएगा। ये अच्छा संकेत है। इसे और एक बार मिला के फिर से पोर्सलिन जाड़ी में स्टोर कीजिए। ये एक या दो साल तक खराब नहीं होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।